कश्मीर में चुनाव के बीच पाकिस्तान ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का समर्थन कर घाटी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्टिकल 370 की बहाली के मुद्दे पर पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत हैं। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिस्टोर होने से कश्मीरी लोगों को जो जख्म मिला है उसमें कुछ मरहम लगेगा। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता मिलने पर आर्टिकल 370 को बहाल करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने भाजपा को कांग्रेस पे हमला करने का एक नया हथियार दे दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उन लोगों के पक्ष में देखी जाती है जो भारत के हितों के विरोधी हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश, कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का समर्थन करता है। ऐसा कैसे है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू से लेकर पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा उन लोगों के पक्ष में देखी जाती है जो भारत के हितों के विरोधी हैं।